गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अवर चैनल नित्यानंद अकेडमी, लक्ष्य आपका साथ हमारा। मैं डॉक्टर प्रगति श्रीवास्तव एंड आई एम गोइंग टू टीच यू ऑल ऑफ यू स्टडी ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम्स इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, आदर सॉलिड लिक्विड और गैसेस। मतलब कि एटम यानी कि अणु, जो अणु किसी भी मैटर के की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, जैसे हमारे घर में कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें जो सबसे फर्स्ट ईंट रखते हैं, कई सारे ईंटें मिलकर बिल्डिंग्स बनती हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईंट है, 1, 2, 3 करके जितनी लाखों ईंट बन के एक घर बनता है, उसी तरह से न जाने कितने करोड़ एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनता है, और वही सब मॉलिक्यूल्स मिलकर कोई एलिमेंट बनाते हैं, और वही सब एलिमेंट्स मिलकर मैटर बनाते हैं। ठीक, सॉलिड लिक्विड। बस डिफरेंस ये होता है सॉलिड लिक्विड और गैसेस में कि सॉलिड्स में जो एटम्स के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक रहते हैं। सॉलिड में बहुत ही टाइटली पैक रहते हैं, उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, बहुत टाइटली इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। और इन केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, और इन केस ऑफ लिक्विड ये जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स है वो थोड़ा कम होता है, वो लूज रहता है। और इन केस ऑफ गैसेस ये जो फोर्स है ये बहुत कम होता है, ये जो मॉलिक्यूलर एटम्स रहते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, इसीलिए गैसेस इधर से उधर पास आउट होती रहती हैं। गैस जैसे सॉलिड का कोई डिस्टिंक्ट, जो कि सॉलिड का कोई भी डिस्टिंक्ट वेट होता है और वॉल्यूम होता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है, वेट तो होता है, लेकिन उसका साइज फिक्स नहीं होता है। मगर सॉलिड का साइज फिक्स होता है लेकिन इसका साइज फिक्स नहीं होता, तो इसीलिए ये मूव करते जाते हैं। और जो ये गैसेस हैं, गैसेस जो होती हैं उनका वॉल्यूम तो रहता है लेकिन ना उनका डिस्टिंक्ट जो होता है उनका साइज रहता है। ठीक है, इसीलिए ओके क्लियर है व्हाट इज एटम। अब हम लोग बात करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब पार्टिकल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आप सभी जानते हैं इस इन पार्टिकल से कौन कौन से। फर्स्ट कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इन द नेगेटिवली चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज रहता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं रहता, वो न्यूट्रल रहता है, उदासीन। हिंदी में बोलते हैं इसको उदासीन होता है न्यूट्रॉन। अब ये आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में हम लोग अब जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे।